नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज असम जाएंगी। वे 6 और 7 अप्रैल को असम के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति यहां के काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिफेंट महोत्सव में भाग लेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 2 रेंज पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। 43 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का गठन हुआ था। पार्टी इस बार अपने स्थापना दिवस को खास बनाने वाली है। भाजपा नेता आज से देश के सभी बूथों पर पार्टी के नारे लिखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में एक बूथ पर जाकर दीवार पर नारा लिखेंगे। इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने दुनिया की सबसे बड़ी साइबर क्राइम वेबसाइट और साइबर अपराधियों के बीच पॉपुलर मार्केट प्लस जेनेसिस मार्केट को सीज कर दिया है। आपको बता दें, ये ऑपरेशन कुकी मॉनस्टर्स के तहत कदम उठाया गया है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण तापमान लुढ़क गया है और मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि अगले कुछ दिनों में मौसम यूटर्न लेने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों में पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान बढ़ने वाला है। राजस्थान के सालासर बालाजी में हनुमान महोत्सव के मौके पर जबरदस्त चहल पहल है। आज यहां देश के हर राज्य से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कोई पैदल तो कोई वाहनों से। ये माहौल यहां के मुख्य मेले से कम नहीं है, जो हर साल शरद पूर्णिमा में भरता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बुधवार देर रात सुरक्षा बलों ने लश्कर से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक चीन निर्मित ग्रेनेड और AK-47 की 12 गोलियां बरामद की गई हैं। संसद के बजट सत्र के सेकंड फेज का आज आखिरी दिन है। ये 13 मार्च से शुरू हुआ था। हंगामे के चलते अब तक लोकसभा और राज्यसभा में बहुत कम ही समय काम हो पाया है। ब्राजील में एक 25 साल के हमलावर ने प्रीस्कूल में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में 4 बच्चों की मौत हो गई और 5 घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मरने वाले बच्चों की उम्र 5 से 7 साल के बीच की है। फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।